Hello friends, I hope you all are doing great. So today we will do the big push theory of economic development. Okay, it is given by Paul Redistrian. So let's get started. Defining the big push theory. So what is big push theory? One second. Yes, big push theory was given by Paul N. Rodestian Rodan in 1943. It is a variant of balanced growth. तो ये एक economic development की theory है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए if you are preparing for UGC NET or some competitive exams related to economics. So big push theory दी गई है पॉल एंड रोडेस्टियन रोडान ने इन 1943 और ये एक टाइप है या ये किससे निकल के आई है बैलेंस ग्रोथ से. ठीक है, मैं डिटेल में अभी बताऊंगी आपको आगे. एज पर दिस थ्योरी अ लार्ज एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू ओवरकम the development obstacles in a developing country and to launch it on the path of economic growth. सबसे पहले इस थ्योरी के नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या कहना चाह रही है. बिग पुश थ्योरी मतलब एक बड़े पुश की जरूरत है. बड़े पुश की जरूरत क्यों है हमें हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए. ठीक है, और बिग पुश से समझ आ रहा है कि एक बहुत बड़े अमाउंट का पुश चाहिए रेदर देन एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट. सो यही कॉन्सेप्ट है रोडेस्टियन रोडान का, जिन्होंने कहा कि एक इकोनॉमी को या एक कंट्री को डेवलप होने के लिए, आई एम श्योर आप लोगों को डेवलपमेंट पता होगा. डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ, मीन्स जीडीपी बढ़ना, प्लस सारी जैसे पॉवर्टी इरेडिकेशन होना, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलना एंड सो ऑन, सारे उसमें और पैरामीटर्स भी ऐड हो जाते हैं. सिर्फ जीडीपी से हम मेजर नहीं करते, अगर और भी फैक्टर्स हम कंसीडर करें तो हर टाइप को कंसीडर करके हम कहते हैं वो डेवलपमेंट हो रही है. ग्रोथ मतलब सिर्फ जीडीपी बढ़ रहा है, बट जीडीपी के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज भी अच्छी हो रही है, पॉवर्टी भी कम हो रही है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, ये सारी चीजें हम कहते हैं एक कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है. तो उस डेवलपमेंट को करने के लिए रोडेस्टियन रोडान का ये कहना है कि हम छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है एक बड़ी लमसम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, जिससे हमारी इकोनॉमी जो है जो अटेन करना चाहती है ग्रोथ लेवल को वहां तक पहुंच सकती है. ये बात हुई है कोई भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है जो कि इतनी डेवलप नहीं हुई, तो अगर उसे करना है तो उसे क्या करना चाहिए. ठीक है, ही मेंशन दैट लाइक एन एयरप्लेन और एनी अंडर डेवलप्ड कंट्री, अब यहाँ पे इन्होंने एयरप्लेन को कंपेयर किया अंडर डेवलप्ड कंट्री से, नीड्स एन इनिशियल ह्यूज इन्वेस्टमेंट टू लॉन्च, आफ्टर दैट इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी सेल्फ सस्टेनिंग. अब इनका क्या कहना है, जैसे एरोप्लेन की अगर मैं बात करूं तो अगर आप एरोप्लेन में ट्रेवल आपने कर रखा है तो आपको पता है पहले तो वो रोड पे ही चलता है, बट टेक ऑफ लेने से पहले एक बहुत हैवी अमाउंट का पुश करना पड़ता है जिससे वो टेक ऑफ कर पाता है. तो इन द सेम वे रोडेस्टियन रोडान कहते हैं कि अगर एक इकोनॉमी को एक अच्छा ग्रोथ लेवल और डेवलप करना है तो उसे एक बहुत बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट हर जगह करना होगा जिससे हमारी डेवलपमेंट होगी या जिससे एक कंट्री की डेवलपमेंट होगी. या आप ये भी कह सकते हो, जैसे हम कहते हैं कि अर्थ है, अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है. तो अगर मैं कहूँ अर्थ है और उसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर हम उसको पार कर लेते हैं उसके बाद हम एक ऐसे जोन में पहुंच जाते हैं जहां पे कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है और एवरीथिंग इज फ्लोटिंग और बस हम उस फोर्स को हमने पार कर दिया. तो इन द सेम वे
अगर हम एक बारी बिग पुश कर दें, यानी कि एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दें, तो हम सारे ऑब्स्टेकल्स को, जो डेवलपमेंट में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, अब आप ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट एक स्मूथ प्रोसेस है जो हर साल खुद 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 डेवलप हो जाते हैं। नहीं, इसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। वो क्या आते हैं? वो होते हैं क्यों, अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल आप एक फर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो पैसे, तो ये फर्म दूसरी से कनेक्टेड होगी, तो जो इसका जो बेनिफिट है वो इसके ऊपर भी पास ऑन होगा। ठीक है, हो सकता है एक दो में और, लेकिन पूरी हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो सारी तो इंटरलिंक्ड नहीं कह सकते हम कि मैं एक में इन्वेस्टमेंट करूंगी और वो हजारों कंपनीज में इंपैक्ट देगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक इंडस्ट्री दूसरी पे डिपेंड करती है, तो हो सकता है जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रही हूं उसमें तो फायदा हो, लेकिन दूसरी वाली का लॉस हो जाए, उससे ये इन्वेस्टमेंट भी हमारी कोलैप्स हो जाए, मतलब इससे भी कोई बेनिफिट ना मिले। बिकॉज एक्सटर्नैलिटीज होती हैं, किसी भी इन्वेस्टमेंट करें हम या कहीं से भी बोरोइंग करें, सो देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज जो कि एक्ट करता है एक ऑब्स्टेकल इन द डेवलपमेंट। तो इसीलिए रोडेस्टन रोडान का कहना है एक लमसम अमाउंट लगाना चाहिए हमें। तो अ बिट बाय बिट अप्रोच टू डेवलपमेंट विड नॉट एनेबल द इकोनॉमी टू क्रॉस ओवर अ सर्टेन इनडिविजिबल इकोनॉमिक, जो ऑब्स्टेकल है ना, जो एक बाधा है, किसकी वजह से, इनडिविजिबल, ऐसे सेक्टर जो कि डिवाइड नहीं हो सकते, और वो जो बाधा क्रिएट करते हैं ना, उसकी वजह से अगर हम छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो हम अपनी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू रोडेस्टियन रोडान, मार्जिनल इंक्रीमेंट्स इन इन्वेस्टमेंट, मतलब एडिशनल थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना, वुड बी लाइक स्प्रिंकलिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन अ डेजर्ट। उसका मतलब होगा रेगिस्तान में आप बस दो चार बूंदे डाल रहे हो जिसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक साइजेबल लंप ऑफ इन्वेस्टमेंट इंजेक्ट करना पड़ेगा एट वंस, कैन अलोन मेक अ डिफरेंस। अगर आप एक ही बारी में हजारों सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो एक डिफरेंस हो सकता है। अब बात आती है हजारों में, अब यूं तो नहीं है कि हम हर एक फर्म में एक बारी में इन्वेस्टमेंट कर दें। तो रोडेस्टियन रेडान ने थ्री टाइप की इंडिविजिबिलिटीज को डिफाइन किया है, कि मतलब वो सेक्टर्स या वो चीजें जो कि इंटरलिंक्ड हैं, जो कि जिसमें हमें इन्वेस्ट करना है। अब आप कह दो कि एक बारी में सारी जगह इन्वेस्टमेंट करना है, तो कोई कहेगा भाई कहाँ इन्वेस्ट करना है, हर जगह तो मतलब यूं थोड़ी है कि हमारी अगर 1.5 करोड़ की जनसंख्या है तो हम 1.5 करोड़ लोगों में पैसे बांटेंगे, इट इज नॉट द पॉइंट। तो बात है कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है हमें। तो इन्होंने तीन डिविजिबिलिटीज के बारे में, इनडिविजिबिलिटीज के बारे में डिस्कस किया है, जहां पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और जिसकी वजह से एक जो कंट्री है वो अपने जो एक साइक्लिकल विशियस सर्कल में फंस चुकी है, कि वो हर साल 2% 3% का ग्रोथ रेट अटेन कर रही है, वो अपने इस सर्कल से, विशियस सर्कल से बाहर निकल के एक अच्छे लेवल का ग्रोथ अटेन कर सकती है। ठीक है, तो द बेसिक जो रैशनल है ऑफ द बिग पुश वो है बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी के ऊपर, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अब एक्सटर्नल इकोनॉमीज का मतलब कुछ नहीं है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज का मतलब एक्सटर्नल बेनिफिट्स। सो एक्सटर्नल इकोनॉमीज आर डिफाइंड एज दोज अनपेड बेनिफिट्स दैट गो टू द थर्ड पार्टीज, द प्राइवेट कॉस्ट एंड द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं उन इन चीजों को रिफ्लेक्ट करने के लिए। हमने एक्सटर्नैलिटीज में हमें पता है कि एक्सटर्नैलिटीज थर्ड पार्टी को बेनिफिट या नुकसान देता है जो कि ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती, और इसका हम प्राइस कंसीडर भी नहीं करते कर सकते। जैसे पॉल्यूशन है, दो फॉर्म्स है, एक पॉल्यूट कर रही है, दूसरी उसे बियर कर रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट थर्ड उस पर भी पड़ेगा फर्म के ऊपर, या पॉजिटिव या नेगेटिव, जो कि उस कॉस्ट को या बेनिफिट को बियर कर रहा है, लेकिन उसका कहीं भी मार्केट प्राइस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं शो होता। तो इसी टाइप के कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इससे पता चलता है
इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज जैसे ए इंडस्ट्री बी से इंटरलिंक्ड है और सम सी इंडस्ट्री इज इंटरलिंक्ड विद डी, ऐसे ही काफी इंडस्ट्रीज एक दूसरे के मतलब इंटरलिंक्ड है, दे आर इनडिविजिबल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम ए में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट बी पे नहीं पड़ेगा, इसका अपने आप पड़ेगा। अगर मान लो ए एक फर्म है जो एक आउटपुट प्रोड्यूस करती है और ये आउटपुट इस कंपनी का इनपुट है, तो ऑफ कोर्स अगर आउटपुट ए के आउटपुट पे कुछ भी प्राइस में या किसी भी चीज में इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसका इम्पैक्ट दूसरी फर्म पे भी पड़ेगा जो उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रही है। आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा। सो नाउ मूविंग ऑन, अगर मैं बात करूं कि कौन सी इनडिविजिबिलिटीज की बात करिए रोडेस्टिन रोडान ने, मतलब इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट इसके अकॉर्डिंग करो कि इन इन सेक्टर्स में करो और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से करो या ऐसे दिमाग में रख के करो कि ये तीनों चीजें कवर हो जाए, देन यू कैन अटेन दैट लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। द फर्स्ट वन इज इनडिविजिबिलिटीज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब बात आती है, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं तो लंपीनेस इन ऑफ कैपिटल स्पेशली इन द क्रिएशन ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल। सोशल ओवरहेड कैपिटल कुछ नहीं है, इसका मतलब है आज के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये कहते हैं कि रेदर देन कि हम एक ही इंडस्ट्री में, अगर मान लो आप कोई भी शू इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वही डेवलप करेगी, उसी में ग्रोथ आएगी, लेकिन और माइनिंग इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उनका क्या होगा? तो इसलिए दे आर सेइंग इन्वेस्टमेंट हर सेक्टर में करनी पड़ेगी, हर इंडस्ट्री में करनी पड़ेगी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो पावर की हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो या और कोई भी पब्लिक यूटिलिटीज हो। तो मतलब व्हेन वी आर मेकिंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट तो कोई भी सेक्टर छूटना नहीं चाहिए, हमें ट्रांसपोर्ट में भी करना है, हमें पावर में भी करना है, हमें कम्युनिकेशन में भी करना है और पब्लिक यूटिलिटीज एक्स वाई जी सेक्टर्स में हमें एक साथ इन्वेस्टमेंट हर सेक्टर में करनी है। द सेकेंड वन इज इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री। अब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल, जो बेसिक एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका, कार एंड पेट्रोल, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक के प्राइस चेंज होने पर दूसरे की डिमांड चेंज होगी, चाहे कम हो या ज्यादा हो। तो इफ वी आर इन्वेस्टिंग इन कार इंडस्ट्री, वी शुड ऑल्सो इन्वेस्ट अमाउंट इन पेट्रोल इंडस्ट्री, बिकॉज डिमांड ऑफ दीज टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमें ये नहीं करना कि एक एक सेक्टर में हमने इन्वेस्टमेंट कर दी और दूसरे को हमने छोड़ दिया। तो ऐसे सेक्टर्स को कवर करना है जिनकी डिमांड कॉम्प्लीमेंट्रीली हो, कि एक के इन्वेस्टमेंट होने से दूसरे के उस पर भी इम्पैक्ट पड़े, तो ऐसे सेक्टर्स को हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, सेकेंड थिंग, ठीक है। द थर्ड वन इज इंडिविजिबिलिटी ऑफ सेविंग्स। अब आपको पता है कि सेविंग्स एक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है, और सेविंग कब होगी वो डिपेंड करता है आपकी इनकम पे। तो एक हाई मिनिमम पैकेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हम नहीं, कैन नॉट बी अंडरटेकन विदाउट एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेविंग। जब तक सेविंग नहीं होगी हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ सच हाई वॉल्यूम ऑफ सेविंग। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बहुत मुश्किल है इतने हाई लेवल ऑफ सेविंग को अटेन करना, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्री में प्राइजेस लो होते हैं, इनकम इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि इनकम एक गुड का डिमांड बहुत ज्यादा ही चेंज हो जाता है अगर थोड़ी सी हमारी इनकम अप एंड डाउन हो जाए तो। और सेविंग्स जो है वो लो होती है क्योंकि इनकम हमारी कम होती है। तो ये थर्ड इंडिविजिबिलिटी है जो कि अलग अलग नहीं हो सकती। तो हमें सेविंग्स जो कि लिंक्ड है हमारी इनकम से, उसके ऊपर भी पॉइंट, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। और हमें जो विशियस सर्कल है, जो कि लो इनकम की वजह से, लो इनकम है हम डिमांड कम करते हैं, डिमांड, अब विशियस सर्कल क्या है कि जब किसी पर्सन की इनकम लो होती है, मान लो किसी पर्सन की लो इनकम है, तो वो क्या करेगा, लो डिमांड करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स एंड सर्विसेज की लो डिमांड करेगा, तो फर्म्स जो है वो प्रोडक्शन कम कर देगी, प्रोडक्शन कम कर देगी तो वो वर्कर्स को
फायर करेगी प्रोडक्शन कम के लिए, और फायर करेगी, सॉरी फायर फायर कर देगी, और फायर की वजह से फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी फिर मतलब लोगों की लो इनकम। तो ये एक ऐसा विशियस सर्कल है जो कि ऑपरेट होता रहता है। तो हमें ये चीज ध्यान में लेनी है कि इनकम लोगों की बढ़ानी है जिससे सेविंग्स बढ़े, और सेविंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एंड हम इन इन जो ऑब्स्टेकल्स हैं ये 3 टाइप के, इनसे हम बाहर निकल पाएंगे, ठीक है, जिससे हमारी जो हम अटेन करना चाहते हैं ग्रोथ को वो हम अटेन कर सकते हैं। तो रोडेस्टियन रोडान का यही कहना है, जैसे एरोप्लेन को उड़ाते समय हमें टेक ऑफ के लिए एक बिग पुश की जरूरत होती है, इन द सेम वे एक इकोनॉमी को अपने जो ग्रोथ लेवल उनका चल रहा है उससे विशियस सर्कल से निकालने के लिए एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है जो कि ह्यूज होनी चाहिए, और इसके चलते हम एक अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अटेन कर सकते हैं। दैट्स इट, ये इसका क्रक्स है कि लिटिल बाय लिटिल से बेटर है ह्यूज इन्वेस्टमेंट एट वंस इन ऑल द सेक्टर्स, ऑल द सेक्टर्स मतलब हम एक ही सेक्टर पे फोकस ना करके सारे सेक्टर्स को हम कवर करें, उन गुड्स को कवर करें, दोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और सेविंग्स पे ध्यान दिया जाए कि हम सेविंग्स को इंक्रीज कर पाए बाय गिविंग हायर इनकम, ठीक है। अब बात आती है इनकी लिमिटेशंस भी हैं, हर थ्योरी बनी है तो उनके कुछ क्रिटिक्स भी होते हैं। तो इसके क्रिटिक्स ऐसे हैं कि रोडेस्टियन रोडान ने तो कह दिया एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर दो हर एक सेक्टर में, ये लमसम आएगा कहाँ से? अगर कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो पैसा कहाँ से इकट्ठा कर सकती है? वो या तो वर्ल्ड बैंक के पास जाएगी या वो IMF के पास जाएगी, बट क्या ये लोग, ये इंस्टीट्यूट्स हमें फंड्स दे देंगे इतने? तो इसलिए ये एक ऑब्स्टेकल है या ये एक लिमिटेशन है कि हमें इतना पैसा मिलेगा कहाँ से। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि एक लमसम एक इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर दो, मान लो कोई भी इकोनॉमी है उसमें हमने बहुत बड़े अमाउंट का पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बहुत सारे सेक्टर्स में हर एक जगह पैसा डाल दिया, तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाएगा, प्राइजेस बढ़ जाएंगे, करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी एंड सो ऑन, तो ये प्रॉब्लम्स भी आएंगी। थर्ड चीज है, इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को, रोडेस्टियन रोडान ने जो बोला उन्होंने मेन फोकस करा है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में इन्होंने फोकस करा है और इन्होंने इग्नोर कर दिया एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो ये एक निग्लेक्शन हो गया, तो ये एक लिमिटेशन हो गई। द फोर्थ वन इज इन निग्लेक्ट्स द रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इन्होंने कहा जो हम इन्वेस्ट करेंगे जो उससे जो प्रोडक्शन है हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इंपोर्ट करने लग गए तो पैसा बाहर की इकोनॉमी के पास जाएगा रेदर देन आर डोमेस्टिक कंट्री। तो इसीलिए इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड के रोल को भी निग्लेक्ट कर दिया। दे आर सेइंग कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो गुड का जो प्रोडक्शन है वो यही होगा, रेदर देन हम इंपोर्ट नहीं करेंगे कोई भी मशीनरी, आपको कुछ भी बनाना है वो इधर ही बनाना पड़ेगा अपनी डोमेस्टिक कंट्री में। सो दिस इज द मेन क्रक्स, और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं इसके ऊपर आते, तो आपको बस ये पता होना चाहिए नेम कि किसने दिया है, कौन से ईयर में दिया है, इसका बेसिक एजेंडा या बेसिक क्रक्स क्या है, कि लिटिल बाय लिटिल या बिट बाय बिट क्यों एक अच्छी चीज नहीं है, क्यों? क्योंकि इंडिविजिबिलिटीज है, तो एक को करते हैं तो दूसरे सेक्टर तक ही पहुंचती है और इकोनॉमी वैसी की वैसी रह जाती है, तो छोटी सी इन्वेस्टमेंट से किसी का कोई भला नहीं होने वाला। अगर करना है तो इंडिविजिबिलिटीज को कंसीडर करके हर एक सेक्टर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री जो डिमांड है उन सेक्टर्स में भी करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोई ये गुड है, तो मेरे को इस इतना इन्वेस्ट करके मैं इसको 10 पॉइंट्स पे पहुंचा दूं, मतलब इसको इतना पीक पे ले जाऊं, और ये आपका 2 पे 2 ही है, तो ये कोई वो थोड़ी होएगा। अगर मैं कह रही हूँ कार में मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी इंडस्ट्री में, कार की इंडस्ट्री में कर दी, और ये कार जो है ना ये 1000 प्रोड्यूस करने लग गई पर डे, और मैंने पेट्रोल की इंडस्ट्री में, डीजल की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करा ही नहीं, और ये अभी तक 20 लीटर्स ही प्रोड्यूस करने हैं,
पेट्रोल, तो क्या ये बेनिफिशियल है? नहीं है, क्योंकि ये जॉइंटली यूज होते हैं। अगर आप कार में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पेट्रोल डीजल इन फर्म्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि एक दूसरे को कम्पीट कर सके और एक नीड, जो एक पर्सन की नीड है, वो फुलफिल होए। अब किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, अगर वो एजुकेटेड है तो वो हेल्थ भी अच्छी रखना चाहेगा, ठीक है, वो गुड्स भी अच्छे प्रोड्यूस वो कंज्यूम करेगा, वो और बेनिफिट्स भी अच्छे चाहेगा, मतलब हर एक चीज अच्छे लगे। तो ये जो सारी जो इंटरलिंक्ड इंडस्ट्रीज हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, तो उन सब में एक बारी में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि ऐसी इंडस्ट्री यू ना हो कि हम एक इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसी के जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, जो एक अगर मेरे को पेन चाहिए तो पेन की मैं तो आपने इन्वेस्टमेंट करवा दी लमसम, और पेपर की इंडस्ट्री में कराई नहीं, और पेपर मेरे पास है नहीं, तो मेरा पेन का यूज भी क्या होगा, मैं पेन भी क्यों खरीदूंगी जब पेपर ही नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री नीड्स को, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड्स को कंसीडर करके भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और थर्डली है सेविंग्स, कि ऐसे सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट करिए जिससे लोगों की इनकम बढ़े, और इनकम जब बढ़ेगी तो उनकी सेविंग्स बढ़ेगी, और सेविंग्स बढ़ेगी तो उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और इससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। दैट्स इट। अगर अभी भी कोई डाउट है आपके पास तो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन। I will try to solve that as soon as possible. Have a great day. Thank you. Bye bye.